Hello and welcome. Very non-ideal sort of conditions for making a video. It's raining, there's thunder, there is lightning, there is construction noise, there are birds chirping, but then I love the rain. तो एक एडिटिंग टीम हायर करने के बारे में आज हम डिसाइड करेंगे. मौसम बहुत अच्छा है, सो मेड अप माई माइंड टू हैव अ लिटिल चैट विद यू गाइज. तो यू नो, लॉट्स ऑफ टाइम आई हैव स्पेंट रिसेंटली थिंकिंग अबाउट the direction in which to take my channel, and one of the things that have been coming to my mind is hiring a team for editing my videos. Editing team ko hire karne ke liye main soch raha hu kafi time se, because I can shoot my videos, I have to, because my timings are very kind of variable because of my classes and stuff. But you know, the thing that consumes a whole lot of time in running a YouTube channel, wo hai editing. Especially because I'm not such an expert. Matlab itna main isme mera expertise abhi nahi hua hai. I have started making these more edited kind of videos rather recently. So ये स्किल अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, इसलिए इसमें बहुत टाइम लगता है. सो अ 10-15 मिनट वीडियो कुड टेक 4-5-6 आवर्स ऑफ एडिटिंग समटाइम्स. आई नो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे रेगुलर्स हैं, जो इतना वीडियो शायद एक या दो घंटे में एडिट कर लेते हैं, बट इट टेक्स मी अ फेयर बिट ऑफ टाइम बिकॉज द स्किल्स आर स्टिल काइंड ऑफ न्यू इन्फॉर्मेटिव स्टेज. तो एक टीम हायर करने के बारे में काफ़ी समय से सोच रहा हूँ. ऑल्सो आई हैव बीन कंसिडरिंग के थोड़ा व्लॉग काइंड ऑफ वीडियोस भी बनाए जाएं, हफ्ते में 2-3 कम से कम व्लॉग कम पॉडकास्ट. यू नो, आई एम काइंड ऑफ ए हाइब्रिड जॉनर ऑफ पॉडकास्ट कम musings come vlog, that kind of videos I am considering, so that we can talk on a more regular kind of basis. आपस में बात कर सकें और communicate कर सकें. So many people have already become part of this community that I have set up, so I feel responsible that I should be communicating on a more regular basis. Thank you birds for making my job easier. I won't have to add these bird noises. So this editing team hiring decision, that is kind of bugging me, because I mean it costs money, of course. So paise bahut lagte hain, good editors don't come cheap. So meri bahut ichcha hai ki zyada regularity ke sath hum log baat kar saken. तो एक एडिटिंग टीम हायर करने के बारे में आज हम डिसाइड करेंगे, और आई विल टेक यू थ्रू माय डे एंड आल्सो गिव यू माय थॉट्स ऑन दिस एज आई गो थ्रू दिस डे. Poha great again. Do you have your poha with ketchup, or do you have it with some other chutney? I don't know. I like it with ketchup. India's test victory in the Lord's test match in England. So ये भी एक बहुत ही इनक्रेडिबल स्टोरी है. इट्स एन इनक्रेडिबल ब्यूटिफुल स्टोरी बिकॉज इट टेल्स यू हाउ इंडियन क्रिकेट बिकेम बेटर. दे वर एबल टू विन इन कंडीशंस वेयर दे रेयरली विन, एंड उसका रीज़न सिंपल ये था कि
over the last 10-20 years, I have seen Indian cricket become more inclusive. आज से 20-25 साल पहले जब हम इंडियन क्रिकेट टीम्स को देखा करते थे तो इसमें दिल्ली बॉम्बे के प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ के बच्चे हुआ करते थे जो कि हायर अपर मिडिल क्लास फैमिलीज से होते थे या बहुत एलीट फैमिलीज़ के लोग होते थे, कई तो राजा महाराजा हुआ करते थे पुराने ज़माने में, तो जो क्रिकेट खेला करते थे. और इंडियन टीम यूज़ टू गेट बीटन ब्लैक एंड ब्लू. जब भी इंडियन टीम इंडिया से बाहर जा रही है तो बस क्रिकेट देखने में बहुत शर्म भी महसूस होती थी कि इतने बुरी तरह क्यों हारते हैं ये लोग. पिछले 15-20 साल से मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारा क्रिकेट बहुत इंक्लूसिव हो गया. इंक्लूसिव होने से मेरा मतलब ये है कि इसमें जो इलीट क्लास ही खेला करती थी वो अब नहीं रहा. अब छोटे छोटे गांवों शहरों से लड़के आते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं. तो इसके प्राइम एग्जांपल्स अगर आप देखो तो महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो एक छोटे शहर से आए, कोई दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता इन जगहों के नहीं हैं महेंद्र सिंह धोनी. एंड दैट एडवेंट ऑफ धोनी दैट चेंज्ड इंडियन क्रिकेट. इट हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल थिंग टू वॉच. एंड अभी तो इसके बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल्स एक के बाद एक महेंद्र सिंह धोनी से मुझे लगता है एक रेवोल्यूशन आ गया. प्रेशर कुकर्स, आई थिंक मुझे बहुत लगता है कि बहुत सबसे बारबेरिक तरीका है खाना बनाने का. नॉइजी इतना है, सीटियाँ बजती हैं. आई होप द प्रेशर कुकर डिड नॉट अफेक्ट यू टू मच. सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट, तो ये जो इंडियन क्रिकेट का इवोल्यूशन मैंने देखा इसमें एक गज़ब की चीज़ नोटिस की है कि बहुत इंक्लूसिव हो गया. छोटे शहरों के गरीब परिवारों के बच्चे आके अब क्रिकेट खेलने लगे हैं. तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप बेंगलोर दिल्ली कलकत्ता या मुंबई से हैं या नहीं हैं, चेन्नई से हैं या नहीं हैं. अगर आप कहीं से भी क्यों ना हो, यूपी के एक छोटे से टाउन से हमारे मोहम्मद शामी आते हैं, हैदराबाद से, हालांकि हैदराबाद हैज़ अ ट्रेडिशन ऑफ क्रिकेट, बट हैदराबाद से वी हैव मोहम्मद सिराज हु कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी पुअर बैकग्राउंड. हिज फादर वॉज एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर एंड दिस यंग लैड, व्हाट अ स्टार ही इज़. क्या स्टार है ये लड़का. ये इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर मुझे दिखाई देता है. अमेजिंग स्किल्स. एंड इसको आप देखो तो लगता है हर विकेट, हर बॉल पे विकेट लेने वाला है. इसका जो एंथुसियाज्म होता है, जिस एंथुसियाज्म के साथ वो दौड़ कर बॉल फेंकता है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा है. ऐसा यंग क्रिकेटर आज तक कभी नहीं देखा. इतना इनएक्सपीरियंस्ड होने के बाद भी इतना ज़बरदस्त स्किल. बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है, बिल्कुल नया है, फ्रेश है इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर भी उसका जो स्किल लेवल है और जो उसका एंथुसियाज्म है, भाई साहब ये तो अलग प्लैनेट का लड़का है. तो आप लिख लीजिए, ये बहुत दूर जाएगा. ऑफ कोर्स वी हैव दीज बुमराज इन द टीम. वी हैव बुमरा एंड वी हैव मोहम्मद शामी एंड मोहम्मद सिराज. ये लड़के छोटे शहरों से हैं सब. Of course, Siraj comes from Hyderabad, which is a big city. But then he comes from a very poor background. And now, जो ये अचीव कर रहे हैं, ये कमाल कर रहे हैं. We have, I think, the best fast bowling quartet in the world. I think the Australians might have something to say about it. The English team also. उनके पास भी अच्छे bowling attacks हैं. But with England, you know, Jofra and Stuart Broad, they've generally been plagued with injury. ये हमारी टीम में, क्योंकि हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, अब ये इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स हमारे पास खेल रहे हैं. और अभी तो क्या नाम है अपना, पीपल लाइक उमेश यादव एंड भुवनेश्वर, दे आर सिटिंग इन द बेंचेस. तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी है कि इनमें से कोई थक जाता है तो उसको हम दूसरे से रिप्लेस कर पाते हैं. एंड दैट इज़ वाई आर बॉलर्स आर नॉट गेटिंग इंजर्ड दैट ऑफ्टन, बिकॉज देर इज़ दिस रोटेशन पॉलिसी एंड दे आर एबल, हम अपने बॉलर्स को रेस्ट भी दे पाते हैं. सो आई थिंक द इंडियन क्रिकेट एस्टैब्लिशमेंट हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट. सच ह्यूज लवली बेंच स्ट्रेंथ वी हैव. तो ये बहुत
दिल को खुशी मिलती है कि हम अब छोटे छोटे शहरों से क्रिकेटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना सिर्फ क्रिकेटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बल्कि जैवलिन थ्रोअर्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। करनाल से हमारा ये नीरज आया और उसने इंसिडेंटली नीरज चोपड़ा स्टार्टेड लर्निंग जैवलिन थ्रो ऑन यूट्यूब। तो क्या ज़माना बदला है भैया। अगर आप आज के ज़माने में अनएजुकेटेड हैं, आपको कोई स्किल चाहिए और आप उसको अक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं, क्योंकि अब एजुकेशन पूरी तरह डेमोक्रेटाइज हो चुकी है। कोई भी स्किल आप एक्वायर करना चाहें, कोई भी सब्जेक्ट आप सीखना चाहें, पढ़ना चाहें, अवेलेबल है, और बहुत ही लो कॉस्ट पे या ना के बराबर कॉस्ट पे अवेलेबल है। यूट्यूब, यूडेमी, यू नेम इट, देर आर सो मेनी पोर्टल्स जहां आपको मुफ्त में इतनी बढ़िया हाई क्वालिटी की एजुकेशन मिल जाएगी। आप सिर्फ ढूंढने वाले बने तो आपको कंटेंट मिल जाएगा, आप जो सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। दुनिया बदल गई है, इसको भी समझना शुरू करें। तो दैट यू नो इज़ वन बंच ऑफ थॉट्स आई हैड टू शेयर। अब सिंस आई सेड आई एम गोइंग टू बी डूइंग अ लॉट ऑफ म्यूजिंग्स एंड पॉडकास्ट एंड व्लॉग्स, तो ये बातें सुनने की आदत डाल लो थोड़ा। हम ज़रा इस डायरेक्शन में काफ़ी बात किया करेंगे अब से। देखिए जी, शाम का समय हो गया है और सुबह से शाम तक अभी मैं उस डिसीजन पे आया नहीं, या एटलीस्ट आपको नहीं बताया। तो एक ये डिसीजन हमने करना था आज के, एक एडिटिंग टीम हायर की जाए या नहीं। तो ये डिसीजन पे मैं आ गया। इनफैक्ट मैं आपसे जो दिन भर बात कर रहा था और आपको ज्ञान दे रहा था, प्रवचन दे रहा था कि ये छोटे शहरों के लड़के अपने हर्डल्स को कूद के, अपनी मुश्किलों को का सामना करते हुए खुद सीख के आगे आ रहे हैं, यूट्यूब से सीख के ओलंपिक गोल्ड मेडल के लेवल तक पहुंच रहे हैं। और यहाँ मैं हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि एडिटिंग के लिए एक टीम हायर की जाए। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? बच्चों को मैं कहता हूँ कि सवाल खुद किया करो, सॉल्यूशन मत देखा करो, टीचर से मत लिया करो, उसके सॉल्यूशंस, उसके हिंट्स मत लिया करो, खुद करो, क्वेश्चन स्ट्रगल करो, तभी सीखोगे। और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि एक टीम हायर कर लेता हूँ, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। ये थोड़ा आई नीड टू प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि मैं खुद एडिटिंग करूँगा, खुद एडिटिंग का स्किल अपना अच्छा करूँगा। एटलीस्ट तब तक मैं एडिटिंग खुद करूँगा जब तक कि इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हो जाऊँ, बहुत अच्छा काम ना करने लगूँ, तब तक इसको मैं करूँगा। क्योंकि जब तक ये स्किल खुद के पास नहीं होगा, मैं किसी और से इस काम को अच्छे से करवा भी नहीं पाऊंगा। तो दैट डिसीजन हैज बीन मेड। हैव फन, बाय बाय, लेट्स मीट अगेन, एंड हम अगली बार मिलेंगे तो वील हैव मोर फन कॉन्वर्सेशन लाइक दिस। बाय बाय।